अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों की फेसबुक आईडी किसी भी रीज़न की वजह से डिसेबल हो चुकी है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी डिसेबल आईडी को कैसे रीओपन कर सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जो लोग न्यू हैं, जिन लोगों ने अभी अभी मेरे चैनल का विजिट किया है, तो उन्हीं सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ रेड बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और एक बेल का आइकन शो हो जाएगा, तो आपने इसको भी ऑन कर देना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एक लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। तो ये मेरी मेहनत का फल ही है, जो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो मैं बैग आ जाता हूँ। मैंने एक ऑलरेडी अपनी आईडी ओपन की हुई है पुफिन ब्राउज़र के अंदर, तो आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। कुछ ही सेकंड में मेरा पेज रीलोड हो जाएगा, तो एक बार मैं अगेन पेज को रीलोड कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ओके, डन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, यहाँ कम्प्लीटली यहाँ पे लिखा आ रहा है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद तो यहाँ पे आपने अपना एक वीपीएन ऑन कर लेना है, कोई भी आपके मोबाइल के अंदर हो, वैसे टच वीपीएन बेस्ट रहेगा। तो मैं अपना वीपीएन को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टच वीपीएन को ओपन करता हूँ, कुछ ही सेकंड में मेरा वीपीएन ऑन हो जाएगा जी। तो दोस्तों, मेरा वीपीएन ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपने टिक के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना। यहाँ पे आपने जापान की प्रॉक्सी को ढूंढना है, यहाँ पे रही है वाली जापान, तो आपने इसको चेक कर लेना है, क्लिक कर लेना है। एंड नीचे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर टाइप कर देना है एक बार, तो कुछ ही सेकंड में मेरा वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्टिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आ गया, तो मैं इसे एग्री कर देता हूँ। तो कुछ ही सेकंड में मेरा वीपीएन कनेक्ट होने ही वाला है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता जी। दोस्तों, मेरा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऊपर टाइम स्टार्ट भी हो गया, तो यहाँ पे स्पीड्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, आउटगोइंग इनकमिंग, ठीक है। तो मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपने अगेन वही ब्राउज़र को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ में मैं अपना पुफिन ब्राउज़र को अगेन ओपन कर लेता हूँ, तो एक बार आपने अगेन पेज को रिफ़्रेश कर लेना है। देन आपने आ जाना है, मैं न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, तो मैं कोई वो लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कौन से लिंक से आपने अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या तरीकाकार है। तो यहाँ पे मैं डिसेबल लिंक टू पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास तीन चार लिंक हैं, कोई एक भी वर्किंग अगर कर जाए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे नेटवर्क का कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा लिंक ओपन हो जाता है, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आगे स्टेप क्या है। लोडिंग ले रहा है, अभी आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, मेरा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने अपनी उसी आईडी का फुल नाम लिखना है, यहाँ पे उस आईडी की डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ से आपने नीचे तीसरे नंबर पे कुछ भी लिख ले, मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आपने फिल करके जस्ट आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नंबर एक तो ये लिंक हो गया, और मैं दो तीन लिंक हैं वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ ऑन करके। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिंक नंबर टू पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर प्रूफ होगा देन आपके पास ये लिंक वर्क करेगा, वरना नहीं। तो तीसरे लिंक पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिंक टू पे था मैं,
तो लिंक थ्री पे क्या है, यहाँ पे भी प्रूफ का ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी आईडी का फुल नाम लिखना है फर्स्ट टॉप पे, यहाँ पे आपने अपनी आईडी का फुल नाम लिखना है, यहाँ पे आपने कुछ भी ऐड कर देना है, तो यहाँ पे आपने अपना प्रूफ ऐड करना है, देन आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं नंबर तीसरे पे, सॉरी यहाँ पे ओके हो गया ये वाला लिंक जो कि मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी का नाम लिखकर आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करके एंड सिंपल आपने सेंड कर देना, बहुत इजी मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।